A very good morning to all. Myself, Konika Kansal, welcome you all on BYJUS exam prep. So yes guys, today is the special current affairs 2023. So aapko pata hai ki exam mein only you have one day, right? So hum is exam se pehle kuch important current affairs regarding the banks and the international business हम वो करने जा रहे हैं. मेक श्योर कि इस सेशन में ही आपने उसको गो थ्रू कर लेना है. एंड कुछ करंट अफेयर्स का अपार्ट आपको मैं टेलीग्राम भी कर दिया जाएगा. सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को फटाफट से, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए अब हम इस सेशन को करने जा रहे हैं. सो वंस प्लीज गिव मी क्विक कंफर्मेशन, पीपीटी इज विजिबल, माय वॉइस इज ऑडिबल, सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. Once, please give me a quick confirmation. Yes, everybody. I hope everything is visible. That's good. So, चलिए जी, अब हम इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. करंट अफेयर्स से पहली चीज तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो पूछे जाते हैं, वो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े हमें नहीं पता वो कहां से कौन सा दे दें. पेपर वन के लिए आई एग्री करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर मैं प्रोस्पेक्टिव की बात करती हूँ पेपर टू की, पेपर टू में भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, पर उसके रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर वो एक ऐसा पैसेज क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको करंट अफेयर्स का भी लगता है कि हाँ करंट अफेयर्स का ही एक पैसेज आपको ओवरऑल बना के दे दिया है. ठीक है जी. सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो अब हम बात कर रहे हैं द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. बिफोर द करंट अफेयर्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी. आज यानी कि 5 दिसंबर को शाम को 6 बजे आपके लिए एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप है, परफेक्ट स्ट्रेटजी टू एस जेआरएफ इन यूजीसी नेट. सो मेक श्योर कि इस वर्कशॉप में आपने जरूर पार्टिसिपेट करना है. दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 जून, आप स्टार्टिंग से ही क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने अडॉप्ट करके चलनी है, बस इन्हीं की स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करी जाएंगे. ठीक है जी. सो ये रहा आपका वेरी फर्स्ट करंट अफेयर. पहला करंट अफेयर जो हम करने जा रहे हैं, ये आपका टैक्सेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकता है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन. ओके, सो रिसेंटली क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो सेंट्रल बैंक डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसको आप सीबीडीटी, आई होप आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा. ठीक है जी, जो नितिन गुप्ता जी हैं उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है. So, वो जो टेन्योर एक्सटेंड करा गया है जून 2024 तक कर दिया गया है. ठीक है जी, तो उनको बेसिकली कितने मंथ्स की एक्सटेंशन मिली है, उनको और 9 मंथ्स की एक्सटेंशन दी गई है. ठीक है जी. सो मेक श्योर ये आपका एक पहला क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है जी. सो ये जो है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका एक्सटेंड हो गया है. इसी तरह जी अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव. ओके, कि एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ था और वो जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है जी, 30th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया, राइट. सो इट मींस आपको आप सिम्बैक्स, जिसको आप बोलते हैं, एक सिम्बक्स एक एग्रीमेंट डन हुआ था जो सिंगापुर में हुआ था. ओके, सो यहां पर एविएशन के रिलेटेड कोई भी आपकी फायर फाइटिंग या डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए, यहां पर एक सी, जो आप कहते हैं ना कि इंटरनेशनल बिजनेस में हम पढ़ते भी हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सी के थ्रू होता है, तो सी के थ्रू ही ये आपके लिए एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है. ओके, सो ये जो थर्ड है, अब जितने भी अब आपके लिए करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि आरबीआई ग्रांट्स अप्रूवल टू आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन
for acquiring 9.7% stake in Federal Bank. ठीक है जी, इट मींस अभी अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक अप्रूवल दी है आईएफसी को. ठीक है जी, कहते पहले क्या था, जो केला बेस जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने रेज करी थी कि हम 959 करोड़, ठीक है जी, कि हम प्रेफरेंशियल इश्यूज कर देंगे जितने भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स हैं. अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए है, हमें वर्ल्ड बैंक सबने सुना हुआ है, यस और नो? हाँ जी, आप सबने वर्ल्ड बैंक जरूर सुना होगा. अब उसी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के शेयर्स के बेसिस पर 959 करोड़ रुपीस रेज करे गए थे. सो इसलिए फेडरल बैंक लिमिटेड को रिसीव हुआ एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंटीमेशन 28 सितंबर 2023. सो जिसके बेस पर अब स्टेक होल्डिंग के बेसिस पर या अदर रेगुलेटरी के बॉडीज के बेसिस पर अब हम आईएफसी कह सकते हैं कि उसने फेडरल बैंक का 9.57% स्टेक हायर कर लिया है. तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, 9.7% स्टेक किसने करा है, आईएफसी ने, ठीक है जी, किससे, इन फेडरल बैंक, एंड इसके लिए आरबीआई ने क्या करी है, अप्रूवल दे दी गई है. ओके, सो इसी के तरह जी नेक्स्ट इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी. अब यहां पर आरबीआई ने एक पेनल्टी चार्ज करी है ऑन 3 कोऑपरेटिव बैंक्स. क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली आरबीआई ने किसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करी है, तो वो जो इम्पोज करी है दैट 3 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिन्होंने अपने रूल्स को वॉयलेट करा है, वो 3 बैंक्स ये वाले बैंक्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. ठीक है जी, अगर आपके ये 3 बैंक्स लर्न है तो क्वेश्चन में आपको वो लिस्ट दे सकते हैं, ऑप्शंस बना सकते हैं, पर आपको ये 3 बैंक्स याद करने हैं. ठीक है जी, तीनों के तीनों कॉपरेटिव बैंक्स हैं जिन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं करा था, सरस्वत, राजकोट एंड कैथोलिक कॉपरेटिव बैंक. तो इनको, इस बैंक को 25 लाख, ठीक है जी, इस बैंक को 13 लाख एंड इस बैंक को 23 लाख. ठीक है जी, बेसिकली आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज कर दी है. ओके, सॉरी, अगर हम इस इम्पोज की बात करते हैं, 25 ऑन द दिस पार्ट है, यानी कि पीछे से हम बात करते हैं 25 इनको करा गया है, ठीक है जी, 13 लाख इनको करा गया है एंड सबसे बीच में जो रखा है 23 वो सरस्वत है. मतलब कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक को सबसे ज्यादा यू नो इम्पोज करा गया है, जो फाइन लगाया गया है. ओके, तो सरस्वत, राजकोट, कैथोलिक, ये 3 कोऑपरेटिव बैंक थे. ओके जी, क्लियर होगी बच्चे बात, राइट? सो इसी के बेसिस पर नेक्स्ट आ रहा है कि वन ऑफ द बैंक नासिक घिनाना, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड बाय आरबीआई. एक कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जहां पर आरबीआई क्यों लगे कि हमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी पड़ेगी, तो वो कर देते हैं. सो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस बैंक. क्यों करा, आप सबको पता है कि हर एक बैंक को एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है. तो ये वो बैंक है जिसके पास कैपिटल इनएडिक्वेट थी और जो प्रॉपर बैंकिंग के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा था. इसलिए जरूरी होता है कि हर एक बैंक के पास एक कैपिटल एडिक्वेसी जरूर होनी चाहिए है. आप बेजल्स की बात करते हैं, बेजल्स एक इंटरनेशनल लेवल पर हमें वो एडिक्वेसी के ऊपर बात करते हैं. ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई ऑन लिक्विडेशन एवरी डिपॉजिटर वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अप टू 5 लाख फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. ठीक है जी, कि लिक्विडेशन के टाइम जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है जी, उनको एक इंश्योरेंस क्लेम जरूर मिलेगा बाय द DICGC. क्योंकि जब कैंसिल हो गया है, इट मीन्स लिक्विडेट कर दिया गया है, तो जितने भी डिपॉजिटर्स से उस बैंक के अंदर
तो उसके द्वारा एक इंश्योरेंस के द्वारा उनको कुछ डिपॉजिट अप टू 5 लाख का दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। सो इसी तरह अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कर्नाटका बैंक। दोज हु आर फ्रॉम कर्नाटका दे नो वेरी वेल कि कर्नाटका बैंक ने लॉन्च करा है डोरस्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी विद साहिब हंगू। ठीक है जी, कहते क्या है कि आजकल एक जो कर्नाटका बैंक है भले ही ये प्राइवेट सेक्टर है पर ये कहते हैं कि अगर आपने गोल्ड लोन लेना है ना हम आपको डोरस्टेप फैसिलिटी दे रहे हैं जिसपे केबीएल स्वर्ण बंधु। ठीक है जी, सो ये यूनिक प्रोडक्ट है कि एंड टू एंड डिजिटाइजेशन करने के लिए गोल्ड लोन दिया जाएगा बट घर घर जाके। ओके, सो बैंक पार्टनर विद साहिब बंधु। ठीक है जी, और एक मिलके अपना एक कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपने गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो को बेटर करना, उनको बेटर मैनेज करना एंड ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देना, ये चीज कर्नाटका बैंक ने लॉन्च करी है। ओके जी, इसी तरह जी हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज द HDFC पेंशन लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NPS प्रेफरेंस इंडेक्स। ये भी एक आपका अनदर इंपॉर्टेंट करंट पार्ट है जो कहता है कि HDFC पेंशन है लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NPS प्रेफरेंस इंडेक्स दैट हाइलाइट्स द प्रेफरेंसेस ऑफ NPS नॉन। आप NPS की जब हम बात करते हैं अब किसने लॉन्च करा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NPS HDFC पेंशन ने लॉन्च करा है। कहते हैं हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं जब उनका एक रिटायरमेंट एज आती है उस रिटायरमेंट के इयर्स में उनके एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना HDFC कहती हम उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ रिटायरमेंट्स वालों के लिए है जिनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी। आप अगर इंडियन सिटीजन हैं, अगर आपकी एज 18 से 70 साल के बीच में है, आप अपनी मर्जी से, कंपल्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से इस इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। इसी तरह जी हमारा आता है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस इंक बैंक्रेशंस पैक्ट विद स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। यानी कि अब हमारा जो SBI, आपने देखा होगा कि आजकल हर बैंक के कुछ ना कुछ इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव्स है, सो SBI जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने एक साइंड करा है सिक्किम के साथ। ठीक है जी, सिक्किम बैंक जिसका हेडक्वार्टर इन गैंगटॉक में है कि ये कहते हैं कि हम एक इंश्योरेंस सर्विस को बेटर करना चाहते हैं, असेसिबल बनाना चाहते हैं, तो इसी बेस पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करना है एंड बेटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, हर किसी की प्रोटेक्शन, हर किसी की वेल्थ क्रिएशन एंड ज्यादा से ज्यादा किसको प्रमोट करना है जी, सेविंग्स को प्रमोट करना है। ओके, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। हाँ जी, आई होप आप सब इन चीजों को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। आई होप अब आपकी प्रिपरेशन ऑल ओवर डन हो गई होगी, है ना जी। बाकी एडमिट कार्ड आपका सभी का आ गया है, प्लीज अपने सेंटर्स चाहे दूर भी हैं पेपर जरूर देके जाना है, एक दिन आप मैनेज कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। कि सभी के एग्जाम अगर 7th को ही है तो जहां जहां अगर आपको लगता है सेंटर्स बहुत दूर हैं तो कल ही वहां तक पहुंच जाइए, क्योंकि पेपर के टाइम आप उस दिन सोचो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि कोशिश करो कि अपना टाइम पर या एक दिन पहले अगर दूर के सेंटर्स है प्लीज वहां पर रीच कर जाइए। एंड टेंशन लेके हमने किसी भी चीज को नहीं करना है, जितना हमने अब तक पढ़ा है बस उसको अच्छे से रिवाइज करके बी कॉन्फिडेंट होके अपने इस एग्जाम को हमने देना है। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। ओके,
सो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड बैंक सेज इंडियाज ग्रो टू मॉडरेट टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जी इंडिया की ग्रोथ आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है मॉडरेट टू 6.3% होने वाली है. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी ओके टू सी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17 फाइनेंशियल 22 कि यहां पर हम एक्सपेक्टेड था कि जो स्लो डाउन हुआ है क्योंकि हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, डोमेस्टिक प्राइस प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं. सो जो बैंक इंडिया को मेंटेन कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग करना चाहते हैं, सो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ग्रो करेगा. ठीक है जी, एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड हमारी बढ़ सकती है. सो दैट इज द मेन थिंग कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कितनी एक्सपेक्ट करी गई है उसके बेस पर हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं. ओके इसी के साथ जी हमारा जो बैंक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कोटक म्यूचुअल फंड पार्टनर विद सीबीएसई. ये आपका करंट अफेयर हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जो कोटक म्यूचुअल फंड पार्टनर्स है सीबीएसई टू लॉन्च इन्वेस्टर एजुकेशन ओके टू क्रिएट अवेयरनेस. ठीक है जी, एक इनिशिएटिव लिया है कि हम इन्वेस्टर को एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे, सीखो पैसे की भाषा, यानी कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कैसे करना है वो हम सिखाएंगे. ओके टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी. आज के टाइम पर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होती है, बाकी नॉलेज सभी को होती है. तो इसीलिए एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जिसको टीचर्स अक्रॉस द इंडिया ठीक है जी पैसे की भाषा को सिखाया जाएगा. 75,000 एजुकेटर्स का एम है कि उनके अंदर अवेयरनेस लेके आनी है, उनको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बना देनी है सो दैट कि आने वाले टाइम पर अगर वो कहीं पर भी अपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी शेयर्स मार्केट्स में डील करना चाहते हैं तो वो कर सके. ओके इसी के साथ जी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेडिक्ट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24. इट मीन जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें उन्होंने बोला है कॉन्फिडेंट है कि 24 फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 6.5% हमारी रियल जीडीपी होगी. तो ये एक इंडिया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के जो फर्स्ट क्वार्टर है बहुत हाईलाइटिंग वाला चल रहा है. कहते ये एक इम्प्रेसिव तो इतना नहीं है बट हाँ बहुत सारे चैलेंजेस के बाद, बहुत सारे एक स्टेप्स लेने के बाद अगर हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% है सो इट्स अ गुड फॉर अस. ठीक है जी ओके सो नाउ दिस इज अ वन ऑफ द लास्ट यू कैन से दैट करंट पार्ट आउटलुक एंड इंडियन बैंक क्रेडिट ग्रोथ इनसाइट फ्रॉम क्रिजल. आपको पता है क्रिजल एक रेटिंग एजेंसी है. ठीक है जी, जो एक ओवरव्यू करती है एंड एग्रेड करती है. तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है जब कोई रैंकिंग करनी होती है. सो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रीवियस जीडीपी, करंट ईयर जीडीपी. तो यहाँ पर जो इंडियन बैंक क्रेडिट ग्रोथ है राइट, उन्होंने एक अपना आउटलुक एक लुक दिया है जो बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद उन्होंने क्या चीज एंटिसिपेट करी है उस एंटिसिपेशन के ऊपर उन्होंने ये चीजें हाईलाइट करी हैं. ओके ये वाला करंट पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ये कुछ करंट पार्ट थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे. ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात. ओके नाउ आई होप अब आप सबकी प्रिपरेशन हुई है. ठीक है जी, एनी क्वेश्चन यू हैव, आपको कोई
यू नो कॉमर्स के रिलेटेड आपको कोई डर है, पेपर का डर है, एनी डाउट यू हैव प्लीज टेल मी, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एक दिन है। मैं इससे पहले एक दो दिन पहले आपका ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये दो तीन दिन अपने आप के साथ टाइम लगाने का होता है। जो चीजें पढ़ी हैं मेक श्योर कि आप सबने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है। सेकंड चीज, मेक श्योर कि अपना जो रिवीजन के साथ साथ कुछ चीजें जो लर्न करने वाली हैं, बेसिकली जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है जी, जो ऑथर्स आपने लिस्ट बनाई है उनको अच्छे से प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। सो तो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो पहली बात तो जी क्वेश्चंस गलत होने का रीजन क्या है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हैं। प्लीज बी योरसेल्फ, अपने ऊपर क्या करें, ट्रस्ट रखें एंड थोड़ा अपने ऊपर भरोसा करें। आपको सब कुछ आता है, जस्ट बी स्ट्रांग, ओके, ठीक है जी। जो सेक्शन मैम, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, देखिए रिजल्ट सेक्शंस कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जो जो सेक्शंस आपने पीवाईक्यूज में करे हैं उनको अच्छे से कर लो। हाँ, डिडक्शंस आपकी सारी इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी ही करनी है। मनीषा, बेजल की रिवीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लीज मेरी प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए, ओके, ठीक है जी। सो यहां पर देखिए, अगर मैं बोलूं, अच्छा हाँ, मैं क्या कह रही थी, क्या आपने सभी की assumptions को अच्छे से कर लिया है, जितने भी फीचर्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। ये कुछ कुछ दो दो चार चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ओके। सो मेक श्योर इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, ओके, ताकि हम इनमें से कोई भी हमें दिक्कत ना आए, ओके जी। बाकी कुछ पीडीएफ आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ऐप के ऊपर, आपके टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, अपनी वीकनेस को पहचानिएगा, लाइक फाइनल एग्जाम की तरह कॉन्फिडेंट होके अपने ऊपर भरोसा रख के बी पॉजिटिव माइंड से पेपर को स्टार्ट करना है। पहले से मत सोचना कि हाय मेरा क्लियर नहीं होगा, आप पहले से सोचो कि यस आई कैन डू इट, ठीक है जी। हमें, ठीक है जी, यू कैन से आई कांट की बजाय आप टी ही हटा के आई कैन करो कि यू कैन डू इट, ठीक है जी। सो बी योरसेल्फ, ओके, डिडक्शंस क्लियर है, वेरी गुड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए हैं, अजम्पशंस, फीचर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बाकी जो थ्योरी है मत करो अभी के टाइम, जस्ट फोकस ऑन दीज एलिमेंट्स, अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात, ओके। अब हम आपको एक फाइनल रिवीजन के लिए हम 1 बजे अभी दोबारा मिलेंगे, जहां पर आपका फाइनल लास्ट टाइम रिवीजन 10 यूनिट्स की होने वाली है। तो मेक श्योर उन 10 यूनिट्स को रिवाइज करने आप दोबारा 1 बजे जरूर मिलेंगे, That is on Byju's exam prep app के ऊपर, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात, ओके। बाकी आज आपकी 6 बजे वर्कशॉप भी है, वो वर्कशॉप आपकी 6 बजे होगी Byju's exam prep app के ऊपर, सो उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, ओके। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं करा है काइंडली कर लीजिए, ओके। सो दिस इज द बेसिक आपका करंट पार्ट था, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे। बाकी करंट अफेयर्स का कोई एंड ही नहीं है, पता नहीं कहां से क्या आ जाएगा। मैं इतना बोलूंगी 100 क्वेश्चन में से अगर आप 80 क्वेश्चन आपके टोटली आपके सिलेबस का पार्ट बनते हैं, 80 भी मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 90 क्वेश्चन आपका यू नो सिलेबस का पार्ट है, 90 मतलब 180 मार्क्स आप अच्छे से ले सकते हैं। मैं 10 क्वेश्चंस वो लेके चलती हूँ, कोई करंट अफेयर्स पूछ ले है, कोई आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं, वो ये चीजें मैं मान के चल रही हूँ। आप उन 10 की टेंशन के बजाय अगर ये 90 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे ना, यू कैन क्रैक, ओके।
इन द एंड हमारा टारगेट क्या है, 210 प्लस हमने मार्क्स लेके आने हैं. ठीक है जी, इज दिस क्लियर? सो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने 210 प्लस स्कोर करना है, वो हम अच्छे से कर सकते हैं, जस्ट बी पॉजिटिव. अभी तक 55 सही हो रहे, कोई बात नहीं, अभी तक हो रहे ना, पेपर में से ज्यादा सही होंगे, बस अपने ऊपर भरोसा रख के जाइए. ओके, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात? सो यस, दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन. बस अपने आप के साथ जितना हो सके अपने आप को टाइम दें, अपने आप ज्यादा कम बोलें, ठीक है जी, ज्यादा ना बोलें, एनर्जी जितनी हो सके अपनी सेव करें एग्जाम के लिए, वो चीजें अभी लास्ट मोमेंट पर आपके लिए जरूरी हैं. सारे सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, हमने बहुत मैराथन्स कर लिए हैं, हमने हर चीज करी हुई है, बस अपने परफॉर्म करने का टाइम है. बी 100%, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क. ठीक है जी, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल. ओके जी, इज दिस क्लियर? सो दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.